की वीडियो में हम उन व्यूवर्स का बात करेंगे दोस्तों, जिन्होंने या तो कभी कंपोनेंट पे काम नहीं किया या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। आप देख सकते हैं कि सारे कंपोनेंट के लैक्स टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। और ये मेरे पास एक कॉपर बोर्ड है, इसमें मैं आपको ये सारे कंपोनेंट लगा के दिखाऊंगा और सही फिनिशिंग कैसे आ सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक कॉपर बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप ये कंपोनेंट लगाएंगे। उसके बाद ये कुछ कंपोनेंट के सैम्पल्स हैं और इन सबसे मेन इस चीज़ के लिए हमें एक ट्वीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास ट्वीज़र है, ये लैमिनेटेड ट्वीज़र है। आप इसको एसी पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा इंसुलेटेड है। तो दोस्तों अभी ये मैं कॉपर बोर्ड उठा रहा हूँ और सबसे पहले हम इस कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर कोई कंपोनेंट आपका टेढ़ा मेढ़ा है दोस्तों, तो उसे आप ट्वीज़र की सहायता से पहले उसकी लेग्स को सीधा कीजिए इस तरह से, ठीक है। जैसे वो सीधा हो जाएगा तो फिर उसे आप यूज कर सकते हो। ये देखिए सीधा हो चुका है, अब इसे आप यूज कर सकते हो। और यूज करने से पहले अगर आपको गैप करना है तो आपको ऐसे मोड़ना नहीं है, आपको ट्वीज़र की सहायता से ऐसे मोड़ना है, ठीक है फ्रेंड। और फिर गैप के लिए आपको इस तरह से ट्वीज़र से ही मोड़ना है। ये देखिए अब इसे आप कॉपर बोर्ड में आराम से लगा सकते हैं और एक बेहतर फिनिशिंग भी आएगी, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसी तरीके से सबसे ज़्यादा मोस्टली आप डायोड का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों डायोड की अगर लैग टेढ़ी मेढ़ी हो तो डायोड की लैग को भी आप ट्वीज़र की सहायता से सीधी कीजिए पहले इस तरीके से। ये देखिए सीधी हो गया, अब इसको भी हम सीधी कर लेते हैं। ये देखिए सीधा हो गया। अगर आपको ये भी कंपोनेंट पीसीबी में लगाना है तो इसको आप ट्वीज़र की सहायता से ही मोड़े ऐसे, और दूसरी साइड को भी कुछ इसी तरीके से आपने मोड़ना है। ये देखिए दोस्तों ये बेहतर फिनिशिंग आई है, अब इसको आप आराम से पीसीबी में लगा सकते हैं। ये देखिए बिना मुड़े थोड़े और बहुत अच्छी तरीके से ये लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप हाथ से लगाएंगे, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ पहले। देखिए अगर आप बिना ट्वीज़र की सहायता से आप इसे ऐसे लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देखिए इसमें फिनिशिंग नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छे तरीके से इसको लगाना है तो आपको ट्वीज़र का यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एलईडी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एलईडी के आप ब्लैक को ट्वीज़र की सहायता से सीधा कर लीजिए। ये देखिए लैग सीधी हो चुकी है। अब आपको अगर वैसे तो आप सीधा भी एलईडी को लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर आपको गैप करना है तो फिर आपको एलईडी की लैग को तिरछा करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो। देखिए एक लैग को गैप करने के लिए एक लैग को आपको मोड़ना पड़ेगा, और अब देखिए ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरीके से आप अगर आपको इसमें भी गैप करना है इस कंपोनेंट में, तो वो भी आप ट्वीज़र की सहायता से इसी तरीके से आप गैप कर सकते हो। फिर आपको यहाँ से मोड़ना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छी की तरीके से फिनिशिंग आई है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अगर आपको ज़्यादा गैप है और वो कम करना है तो उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। आप इसको अंदर मोड़िए और फिर अंदर मोड़ने के बाद इसको आप बाहर मोड़िए। ये देखिए आपका गैप कम हो गया, और कम करना है तो आप दोनों साइड से भी मोड़ सकते हो। ये देखिए और इसको आप आराम से लगा सकते हो, और देखिए फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंपोनेंट को पीसीबी में लगा सकते हो और आपका कंपोनेंट एकदम साफ़ सुथरा और बेहतरीन नज़र आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है
मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और दोस्तों, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की सारी वीडियोज़ मेरी हिंदी में आती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।